चार डालना है, क्या करना इसका भाई? ये चार सुबह नाश्ते में ही हम खा सकते हैं, ठीक है? ये हमें जीत पहले चाहिए थी इंडिया के खिलाफ के मुकाबले में। जिम्बाब्वे में भी कुछ भी नहीं किया, अभी आरिस रूफ ने देखें क्या किया, कुछ भी नहीं किया। हम इसका चार सुबह नाश्ते में खाएंगे, हमें इस तरह की जीतनी चाहिए, ठीक है? अब दुआ है कि अगले मैचों में बारिश हो जाए, ठीक है, तो कुछ चांस बन जाए हमारा वर्ल्ड कप में जाने के लिए। अचार ही डाला सा आ सकता है। अब बाबर और रिजवान को चाहिए यार कुछ सीखें, मतलब ओपन आप करते हैं, आपको पावर प्ले में मैच जितवा देना चाहिए, मतलब इतने बड़े आप प्लेयर हैं, इतने अग्रेसिव खेलना आपका बनता था। और जो हमने अभी आगे चार फास्ट बॉलर खिलाने शुरू किए हैं, अगर पहले मैच में ये चार फास्ट बॉलर होते तो आज ये रिजल्ट डिफरेंस होते। उस वक्त हमने नवाज़ को खिला दिया, अभी भी नवाज़ खेल रहा है, बट स्टिल चार फास्ट बॉलर हैं, मतलब आप कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे बॉलिंग का। ऑस्ट्रेलिया में आपको चार फास्ट बॉलर चाहिए। आप मायूस हैं टीम से? मैं टू बी ऑनेस्ट, मतलब हर मैच में इनके साथ ट्रैवल किया, इतना एक्सपेंस भी किया, और मतलब अपना काम शाम छोड़ के सख्त मायूस हुए हैं। हमें था कि हम फाइनल एटलीस्ट खेलेंगे MCG में, हमारे टिकट्स बुक हैं, अब बताएं हम कहाँ बेचें वो टिकट्स, कोई लेगा ही नहीं हमसे। और बाबर को चाहिए, हम आपके फैन हैं, बट प्लीज़ अग्रेसिव खेलें। वो सूर्या कुमार यादव उधर उनको अकेला मैच जितवा देता है, हम यहाँ खड़े हैं, हमारे सात प्लेयर आगे ऐसे 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 ऐसे, ये क्या मतलब यार, डेढ़ सौ छक्के मारता है आसिफ अली, वो कौन से पार्क में मारता है? मैं भी 100 छक्के मार लूं 120 बॉलों पे अगर वो पार्क जो वो यूज करता है। बाकी अल्लाह खैर करे, इनके साथ ही हैं। अंकल जी अचार डालने, कौन सी सॉसेस के साथ अचार डालने, क्या करना है इस जीत का? हमने लेट हो गए हैं, क्या कहोगे इस टीम के बारे में? बिल्कुल लेट हो गए हैं यार, अब अगर थोड़ी सी अकल से खेलते तो आज अनबीटन टीम होती, एक मैच भी नहीं हारना चाहिए था। पहला मैच भी आप देखो 48 रन एंड 3 ओवर्स थे, फिर 13 रन 3 बॉलों में थे, वहाँ से हारे हैं। सेकंड गेम में 43 रन ऑफ 39 बॉल्स और फिर 3 रन ऑफ 3 बॉल्स, वहाँ से हारे हैं। अब आप मतलब कोई भी और टीम होती तो कभी भी ऐसी पोजीशन से गेम नहीं हार सकती थी। हमें हमारी किस्मत के हमें जो है तो दोनों सिचुएशंस में नवाज़ मिल गया और नवाज़ जो है वहाँ पर फ्रीज हो गया। अब जो है यही एक ही ऑप्शन है कि अगर साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे का मैच जो है वो बारिश हो जाए और पाकिस्तान बांग्लादेश को अच्छी मार्जिन से हरा दे तो दोनों के पॉइंट्स बराबर हो सकते हैं। सर आप क्या कहेंगे, आप लगता है कि टीम लेट हो गई है, टीम इस कम से कम हम इस सलूक के तो डिजर्व नहीं करते थे कि वर्ल्ड कप से ही बाहर हो जाए? डिजर्व तो नहीं करते, लेकिन बारिश पे सब रह गया है तो एक ही होप है, देखते हैं क्या होता है। आप क्या कहोगे, आप बारिश पे रहेंगे, फलां को हराएगा? सर ये हमारा हर वर्ल्ड कप में यही होता है कि फलाना बारिश हो जाएगी तो फलाना नेट रेट हो जाएगा तो फलाना ये हो जाएगा। बात सारी एंड में यही है कि हमने परफॉर्म नहीं किया और अब ये है कि ये लास्ट मिनट होप ये वो, इससे कोई फ़ायदा ज़्यादा होता नहीं है। एक विन ये होगी, इससे ये हो गया कि एक और दिन अब हम यही वो होप कर सकते हैं कि बारिश हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। लेकिन आपको मैच जीतना होता है, टाइम पे जीतना होता है, परफॉर्म करना होता है, और ये T20 आपको जिसमें आपको लास्ट ओवर में बात पहुंचती है और आपको एग्जीक्यूट करना होता है। आपकी क्या फीलिंग है इस टीम को, क्या मशवरा दोगे? सर कोई हाल नहीं है हमारा, हम जिस तरह की टीम है हमने कुछ किया नहीं है, कोई प्रिपेयर नहीं करके आए अपने आप को, और उसके बाद आप देख लें जिस तरह खेले हैं हम लोग, हमारा कोई हाल नहीं है। हम वापस जाएंगे और हम उसी पिचेस में खेल सकते हैं, ये बाउंस पिचेस ये वो हमारा इस पर कोई काम नहीं है। हमारे जो दो मेन बैट्समैन हैं उन्हें कुछ किया नहीं है, पूरा टूर्नामेंट कुछ नहीं किया, तो एंड में आप जब बड़े बैट्समैन कुछ करेंगे नहीं, जो बड़े लोग कुछ नहीं करेंगे, टीम ऐसा खेलेगी तो आप यही होगा। आपकी क्या जज्बात है अब इस विक्ट्री और इस परफॉर्मेंस की, वर्ल्ड कप की कैसी आपको लगी? आपने अंकल कह के पहले मुझे वो कर दिया। खैर इट वाज अ ग्रेट गेम, बहुत अच्छा गेम था। और इस गेम का करना क्या है कि आपकी टीम का मॉरल तो ऊपर गया है ना, कि एटलीस्ट थोड़ी सी आपकी जो इज्जत, जो हम बिल्कुल अपने आप को, हम लोग यहाँ पे 35 साल से मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे ख्याल में पहला या ये सेकंड टाइम हम यहाँ जीते हैं, हमेशा मायूसी करते हैं। वॉज ए ग्रेट गेम, टीम का मोरल ऊपर हुआ है, ठीक है हम फाइनल नहीं खेलेंगे, बट फिर भी अपने टीम को हमने बैकअप किया है। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बैटिंग की इन्होंने, जो खास तौर पे शादाब ने और इफ्तिखार ने। आप क्या कहेंगे इस जीत के बारे में, ये जो अब लेट जीत मिली है, क्या करना है इस जीत का? नहीं जीत तो होती है सर, हमें तो बड़ी खुशी हुई है आज जो हम देखने आए हैं, इतने ज़्यादा बिलीव करें कि जिस तरह भाई ने बोला कि वो 30 साल से हैं, तो 20 साल से तो मैं भी हूं, और हमारी किस्मत में ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की जीत बड़ी मुश्किल से ही आती है, तो जब जीत होती है तो हमें बड़ी खुशी होती है, हमें ये नहीं आज हम जीते हैं तो हम बड़े खुश हैं इंशाल्लाह। आपने इस जीत का कहां, कौन सा अचार? भाई नो डाउट हमने खेला है, अच्छा खेला है, लेकिन इस जीत का हम अचार डालें क्या? ये पहले कहां था हारिस,
ये शादाब की इनिंग, ये इफ्तखार की इनिंग, ये सारों की इनिंग कहाँ थी पहले? अब हम टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट बाहर हो चुके हैं और अब ये बिल्कुल एक बेहतरीन इन्होंने परफॉर्मेंस दी। अगर ये जिम्बाब्वे के खिलाफ भी ऐसे ही देते तो आज हम वर्ल्ड कप जीत के यहाँ से जाते और हम बिल्कुल वर्ल्ड कप के फाइनल में कंटेंडर होते उसके। देखें, बहुत मुश्किल हो गया है, यानी कि जो इंडिया ने हमारे साथ किया बहुत गलत किया, बट ऑन दी अदर एंड बड़ा अच्छा खेलें, बहुत ज़बरदस्त खेलें, मोराल हाई है और अब कुछ भी हो सकता है। देखें, अगर वॉश आउट हो गया, हमने 40 रन से बांग्लादेश को हरा दिया तो हम पहुंच सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे आज एकदम से बारिश हो गया, लगे वेदर की अपडेट नहीं थी, लेकिन बॉयज़ अच्छा खेलें, जेल हो गए हैं, मोमेंटम पकड़ लिया है, बस यहाँ पर थोड़ा सा अगर लक साथ दे दे तो, या आपको तो पता है मैंने टिकट लिया हुआ था पहले का, ठीक है तो अच्छा है इंशाल्लाह के नाम मुझे अच्छा खेलेंगे। क्या कर रहे हैं इस जीत का? सर थोड़ा सा लेट हो गए हैं लेकिन सही है, हम फिर भी सपोर्ट करेंगे, टीम अपनी है, पाकिस्तान की है, लेकिन कोई मसला नहीं है। हार गए हैं पहले दो मैचेस, हारते ना एक भी जीत जाते तो हम इंशाल्लाह फाइनल, सेमीफाइनल फाइनल में चले जाते, लेकिन फिर भी अपनी टीम है, कोशिश करेंगे जब तक जान है सपोर्ट करें उनको। आप क्या कहोगे, मशवरा क्या दोगे इस टीम को, क्योंकि लेट में आके अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन अब ठीक कर रहे हैं, क्या कहोगे? सर उससे कोई हार जीत लगी रहती है, लास्ट T20 में इंडिया पहले निकल गया था, ये तो लाइक लगा रहता है, सर अपसेट हो जाते हैं, लेकिन कंटिन्यू करना चाहिए, अपनी जो मिस्टेक्स हैं उसे सीखना चाहिए, सो इट्स नॉट अ बिग डील, हो सकता है नेक्स्ट ईयर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करे और जीत भी जाए। आप कैसा देखते हो, अब इसमें खुश होना चाहिए या रोने वाली जीत? नहीं नहीं नहीं, खुशी होनी चाहिए, आज मैच जीते हैं, खुश होना चाहिए, टूर्नामेंट गेम में जीत हार होती रहती है तो अच्छी बात है, अच्छा खेले हैं, बड़ा मज़ा है, इन्जॉय किया। लेकिन लेट तो हो गया ना? लेट तो पाकिस्तान का हर काम है, लेकिन एंड पे टाइट हो जाता है।